हेलो स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट हमारा आता है एक्रिलिक। एक्रिलिक रेसे कृत्रिम रेसे होते हैं जो एक बहुलक से चलते हैं, एक बहुलक से बनते हैं। यह गर्म, हल्का, मुलायम और लचीला होता है। यह कीट और रसायन प्रतिरोधी होता है। एक्रिलिक का उपयोग, एक्रिलिक हल्के वजन, नरम और गर्म और ऊन की तरह अनुभूति देते हैं। इसे अन्य रेसे जैसे कपास की नकल करके बनाया जा सकता है। इसे छोटे उपकरणों की सहायता से बुना जाता है। कुछ एक्रिलिक रेसे रंगीन या रंजक के रूप में निकाले जाते हैं, अन्य एक रूप में निकाला जाता है, अन्यथा एक यह प्राकृतिक रूप से सफेद या बिना किसी रंग के होता है। रंगीन रेसे में उत्तम प्रकाश स्थिरता होती है। इसके रेसे कृत्रिम रेसों और प्राकृतिक रेसों की तुलना में बहुत लचीले होते हैं। कुछ एक्रिलिक को ऐसे कपड़े बनाने में प्रयोग किया जाता है जो कम खर्च वाले कश्मीरी कपड़ों के विकल्प के रूप में प्रयोग में किए जाते हैं, क्योंकि यह सामग्री उसी कपड़ों का एहसास देती है। नेक्स्ट हमारा आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक शब्द ग्रीक शब्द प्लास्टिको से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बनाना। अधिक तकनीकी शब्दों में प्लास्टिक एक ऐसी सामग्री है जिसे गर्म करके किसी भी आकार में डाला जा सकता है और जो ठंडा होने के पश्चात उसी प्रकार आकार में बना रहता है। प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक है जिसको गर्म करने और अलग रचना में बार बार ढालने पर उसके संगठन में किसी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन नहीं होते। पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीवेलेंट क्लोराइड यानी पीवीसी और पॉलीटेट्रा क्लोरोएथिलीन यानी पीटीएफ इसके उदाहरण हैं। थर्मोसेटिक प्लास्टिक को एक बार आकार देने के पश्चात दोबारा मृदु या पिघलाया नहीं जा सकता है तथा इनका आकार बदला नहीं जा सकता है। बेकेलाइट थर्मोसेटिक प्लास्टिक का उदाहरण है। अधिकतर प्लास्टिक बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होता है। प्लास्टिक के उपयोग क्या होते हैं? प्लास्टिक एक सहस्राब्दी के सबसे बड़े नव परिवर्तनों में से एक है और निश्चित रूप से अपनी प्रतिष्ठा को सच्चा साबित कर दिया कि यह सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली सामग्री है। यहाँ असंख्य उद्देश्य प्लास्टिक द्वारा पूरे किए जा रहे हैं और उनके आने वाले वर्षों में प्रयोग की जाती रही। यह सत्य है कि प्लास्टिक हल्की, जंग रहित और सड़न रहित होती है। इनकी परिवहन लागत कम होती है और यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सहायक है। इसी कारण प्लास्टिक ने काफी लोकप्रियता हासिल की है। प्लास्टिक हर जगह है और उसके असंख्य उपयोग है। प्लास्टिक टिकाऊ, हल्की और उन पुनः उपयोग योग्य होती है। इसके साथ ही इसे कई वस्तुओं की पैकिंग के लिए भी उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक के नुकसान। यद्यपि प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन पर कई प्रकार से सकारात्मक प्रभाव डालता है, परंतु यह स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा भी है। अधिकतर प्लास्टिक स्वास्थ्य तथा वातावरण के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन कुछ मोनोमर यानी कि एकलक जो कि प्लास्टिक बनाने में प्रयोग किए जाते हैं कैंसर का कारण भी है। बेंजीन जो कि एक कच्ची सामग्री है तथा नायलॉन बनाने में प्रयोग की जाती है भी कैंसर का कारण है। फिर भी प्लास्टिक को लगातार दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। ज्यादातर प्लास्टिक खराब नहीं होती है और न ही दोबारा उपयोग में होती है। दुर्भाग्य से शीघ्र ही यह वातावरण के लिए एक बड़ी समस्या होगी। प्लास्टिक कचरे का निस्तारण कैसे होगा? लेकिन कई शोधकर्ताओं की उम्मीद है कि वे भविष्य में इस समस्या का खतरा करने के लिए कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे, जब प्रत्येक प्लास्टिक को तोड़ करके दोबारा प्रयोग के लायक बनाया जा सकेगा तथा प्लास्टिक एक महत्वपूर्ण उत्पाद होगा। जैसे मिट्टी में दफन प्लास्टिक को, ये कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, इनमें दे रखा है कि मिट्टी में दफन प्लास्टिक को मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीव भी विघटित नहीं कर सकते हैं। यह प्लास्टिक बारिश के पानी को भूमि के अंदर जाने से रोकती है तथा पानी भूमि की सतह पर बना रहता है और मिट्टी को एक स्थान पर इकट्ठा कर देता है। यह उन पौधों पर भी असर डालता है जो उस स्थान पर उगते हैं, क्योंकि इन पौधों को पूर्ण रूप से मिट्टी में पर्याप्त पानी नहीं मिल सकता है। अधिकतर अनुपयोगी प्लास्टिक सड़कों के किनारे पर, तालाब पर तैरते हुए गंदगी के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवों और जानवरों को घर होता है। जब अनुपयोगी पदार्थों को पानी में डाला जाता है तो यह परिणाम स्वरूप पानी को दूषित करता है। यह जलीय जीवों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक में खतरनाक पदार्थ पाए जाते हैं जो जलीय जीव जैसे मछलियों की मृत्यु का कारण है तथा जलीय जंतुओं की सुरक्षा असफल हो जाती है। जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तो घातक गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायु प्रदूषण का कारण होती हैं।